अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ हसन, ए बी हसन एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड बेरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, आज हम आपको बता रहे हैं जो कमर्शियल प्लाट्स हैं, स्पेशली लिबर्टी कमर्शियल के हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बेरिया टाउन कराची में जो सबसे फेमस कमर्शियल है वो मेन जिन्ना एवेन्यू पर जिन्ना कमर्शियल है। देन अगर हम बात करते हैं कि जो मिडवे कमर्शियल ए और बी, जैसे कि आप जानते हैं 125 गज के प्लाट्स में मुश्तमिल है, और जो मेन जिन्ना एवेन्यू पर आपके कमर्शियल प्लाट्स हैं वो 500 गज पर मुश्तमिल है। तो इसके दरमियान जो एक कटिंग बन रही है, एक आइडियल जो इन्वेस्टर हैं वो चाह रहे हैं कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन हो जहाँ पे उनके पास स्पेस भी अच्छी हो, जो उनके शोरूम्स वगैरह उनके साइज़ भी अच्छा हो, और जो एक फ्लोर पे वो अगर कोई 2 बेड अपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं, 3 बेड अपार्टमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उसका जो साइज़ है वो भी अच्छा हो। तो वो लिबर्टी कमर्शियल की तरफ मैं चाहूँगा कि वो इसके बारे में स्टडी करें, रिसर्च करें कि ये जो प्लाट्स हैं लिबर्टी कमर्शियल के, ये आपके थीम पार्क फेसिंग में आ रहे हैं। ये लिबर्टी कमर्शियल 3 के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास एक प्लाट सेल पे आ रहा है, हमारे इन्वेस्टर हैं वो सेल करना चाह रहे हैं। तो इसका ओवरऑल मैं आपको भी बताता चलूँ कि ये जो कमर्शियल है इसका ऐसा है कि एक तो फर्स्ट प्लस पॉइंट ये है कि जो आपका इंटरनेशनल थीम पार्क है बेरिया टाउन कराची में, ये इसका जो फेसिंग बन रही है बिल्कुल इसकी तरफ बन रही है, और बिल्कुल सामने आपको मेन जिन्ना एवेन्यू का फेसिंग मिलेगा, और उसके बिल्कुल सामने आपको थीम पार्क का फेसिंग मिलेगा। अगर हम इसके बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड पर आपका जो थीम पार्क कमर्शियल है उसकी फेसिंग मिलेगी, स्पेशली जो हाई राइज बिल्डिंग वहाँ पे बन रहे हैं, इम्तियाज़ सुपर स्टोर जहाँ पे बना हुआ, और जो आपके डेंजू पार्क के साइड की तरफ आपकी फेसिंग बनेगी। तो जो हमारे पास प्लाट आ रहा है वो 11 गज़ इसमें एक्स्ट्रा लैंड है, टोटल जो इसका साइज़ बन रहा है वो तकरीबन कोई 275 गज़ का प्लाट है। और जैसे कि आप जानते हैं इसकी जो बुकिंग थी वो 6.5 करोड़ की थी, और इसका जो टोकन था वो 1.5 करोड़ का था, और जो इसकी इंस्टॉलमेंट थी वो तकरीबन 41 लाख से 42 लाख के दरमियान इसका एक इंस्टॉलमेंट था। तो टोटल कॉस्ट इसकी थी 6.5 करोड़ का इसका टोटल कॉस्ट था। तो अभी जो करंट मार्केट में इसकी जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन कोई 11 करोड़ से ऑनवर्ड का प्राइस चल रहा है। जो हमारे पास प्लाट आ रहा है ये सेमी कॉर्नर का है, इसमें एक्स्ट्रा लैंड भी है, तो इसका जो डिमांड है वो 12 करोड़ का डिमांड है। तो इसके अलावा मैं आपको अगर बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेन जिन्ना एवेन्यू पर स्पेशली जो जिन्ना कमर्शियल है वो तो 500 गज़ के प्लाट्स हैं, उनकी कीमत तो तकरीबन कोई 25-30 करोड़ से ऊपर की प्राइस है। तो अगर आप एक अच्छी कम बजट में एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट आप चाह रहे हैं कि आप बेरिया टाउन कराची में करें, तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है। इस टाइम जो लिमिटेड प्लाट्स हमारे पास स्पेशली जो थीम पार्क के सर्कल में जो प्लाट्स आ रही हैं उसमें बहुत कम रीसेल पे प्लाट्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से जा रही है, और ये जो इलाका है, ये जो एरिया है, बहुत कम टाइम में डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पे आप ग्राउंड प्लस जो सिंगल प्लाट है उस पर ग्राउंड प्लस 10 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और जो आपके डबल प्लाट्स हैं उस पर ग्राउंड प्लस 12 की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस कंस्ट्रक्शन में आप ऑफिसेज के लिए आप कमर्शियल पर्पस के तौर पर भी इस प्लाट को यूज़ कर सकते हैं, और जो जो आपका प्लाजा है उसको आप रेजिडेंशियल तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर होगा वो तो वहाँ पे शॉप से आप शोरूम बना सकते हैं, जिनकी जो मालियत होगी वो तकरीबन कोई 4 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान इस टाइम करंट मार्केट में ऑन इंस्टॉलमेंट मार्केट में कोड हो रही हैं। अगर आप बेरिया टाउन कराची में कोई कमर्शियल प्लाट या कमर्शियल ऑफिस या कमर्शियल शोरूम लेना चाह रहे हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेरिया टाउन के जितने भी प्रेजेंट्स हैं उसके हवाले से हमारे जो वीडियोस हैं वो हम डेली बेस अपडेट करते हैं। तो अगर आप बेरिया टाउन कराची में किसी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए अपलोड कर देंगे। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत शुक्रिया। बेरिया टाउन के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।